हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक बार फिर आपके साथ एक नई क्लास के साथ आया हूँ। आज हमारी सीपीसीटी पावर पॉइंट की 8वीं क्लास है दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है, क्लास रेगुलर एमएस पावर पॉइंट की चल रही है। आज हमारी 8वीं क्लास है और इसके पहले भी आपको मालूम ही होगा एमएस वर्ड की सारी क्लास हो चुकी हैं, एक्सेल की भी सारी क्लास हो चुकी हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। तो आइए देर ना करते हुए देखते हैं हम अपना आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वह है इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए है स्लाइड शो व्यू, और बी हो जाएगा स्लाइड शॉर्टर व्यू, और हमारा सी हो जाएगा नॉर्मल व्यू, और डी हो जाएगा आउटलाइन व्यू। जैसा कि आप आंसर देख रहे हो, करेक्ट आंसर हमारा डी है, वह हो जाएगा हमारा आउटलाइन व्यू। हमारा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, बाकी स्लाइड शो व्यू है और स्लाइड शॉर्टर व्यू भी हमारा पावर पॉइंट का एक हिस्सा है और नॉर्मल व्यू भी है, लेकिन हमारा आउटलाइन व्यू नहीं है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन वह हो जाएगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार इस क्लास में आपके लिए लेकर आता हूं कि आप कभी इसमें कंफ्यूज ना हो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या होता है, देखते हैं इनका ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए है पीओटी पॉट, और हमारा बी हो जाएगा पीपीटी, और सी हो जाएगा पीटीपी, और हमारा जो डी हो जाएगा वह हो जाएगा पीपीई। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह आपको मालूम ही हो जाएगा, वह हो जाएगा पीपीटी, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वह हो जाएगा दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, इसको छोटा छोटा कर लेता हूँ आपको दिक्कत ना हो जूम। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वह है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में न्यू फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में न्यू फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। कंट्रोल एन, और कंट्रोल एस, और कंट्रोल एम, और हमारा डी हो जाएगा शिफ्ट प्लस एन। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा आपको मालूम होगा वह हो जाएगा कंट्रोल प्लस एन, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है दोस्तों हमारा रन डायलॉग बॉक्स से पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है। ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया क्वेश्चन। रन डायलॉग बॉक्स से पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं दोस्तों। ऑप्शंस जैसा कि आप देख रहे होंगे, ऑप्शंस हमारे ये हैं। ऑप्शन है पावर पॉइंट, बी हो जाएगा पावर PWR पॉइंट, और हमारा सी हो जाएगा पावर PNT, और डी हो जाएगा पावर PINT। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा रन बॉक्स में लिखा जाता है दोस्तों पावर PNT, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रन डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन होता है आपको मालूम होगा, विंडो की प्लस R से रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वहां पर ये टाइप किया जाता है पावर पॉइंट ओपन करने के लिए पावर PNT, वहां पर टाइप करते हैं फिर एंटर करते हैं तो पावर पॉइंट ओपन हो जाता है। आइए चलते हैं हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो आज का अगला क्वेश्चन है वह है हमारा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए है एक्सेल, बी पावर पॉइंट, और सी हो जाएगा एक्सेस, और हमारा डी हो जाएगा आउट लुक। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मालूम होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वह हो जाएगा पावर पॉइंट। आइए चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो छठवां क्वेश्चन है वह करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की। आई देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस ओ, बी है कंट्रोल प्लस एम, और हमारा सी हो जाएगा कंट्रोल प्लस एन, और हमारा डी हो जाएगा कंट्रोल प्लस एफ। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, यानी कंट्रोल प्लस एम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो सातवां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा एक्शन बटन का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। एक्शन बटन का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। ए टूल, और हमारा ए हो जाएगा टूल्स, बी हो जाएगा फॉर्मेट, और हमारा सी हो जाएगा विंडो, और हमारा डी हो जाएगा स्लाइड शो। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा डी, यानी स्लाइड शो में एक्शन बटन का ऑप्शन मेन्यू में होता है। आइए चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह हमारा आठवां क्वेश्चन। क्वेश्चन है पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए है स्लाइड नोट्स, और बी हो जाएगा शॉर्ट नोट्स, और हमारा सी हो जाएगा साउंड नोट, और हमारा डी हो जाएगा नोट्स व्यू। तो आपको सही आंसर दिख ही रहा होगा डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा नोट्स व्यू, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो नौवां क्वेश्चन है वह है किस ऑप्शन का यूज पावर पॉइंट में शेडो टेक्स्ट कलर और बॉक्स का कलर बदलने के लिए किया जाता है। देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए है कलर स्कैम्स, और हमारा बी हो जाएगा ड्राइंग टूल्स, और सी हो जाएगा टेक्स्ट टूल्स, और हमारा डी हो जाएगा बैकग्राउंड कलर। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, यानी कलर स्कैम्स, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो दसवां क्वेश्चन है वह हो जाएगा दोस्तों आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं। आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन। देखते हैं ए है डिलीट बटन को दबाकर, बी स्केप बटन को दबाकर, और हमारा
सी हो जाएगा राइट एरो को दबाकर, और डी हो जाएगा लेफ्ट एरो को दबाकर। जैसा कि आपको आंसर मालूम ही होगा वह हो जाएगा यानी बी ऑप्शन, यानी स्केप बटन को दबाकर आप स्लाइड शो को रोक सकते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है खालिस्तान टास्क पैन उस डिजाइन को शो करती है जो वर्तमान में प्रेजेंटेशन में यूज हो रही होती है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है स्लाइड शो, बी हो जाएगा स्लाइड स्टाइल, सी हो जाएगा स्लाइड डिजाइन, और हमारा डी हो जाएगा स्लाइड फॉर्मेट। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी यानी स्लाइड डिजाइन, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 12वां क्वेश्चन है वह दोस्तों वह हो जाएगा किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करती हैं, किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करती हैं। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। टेबल मेन्यू इज इंसर्ट टेबल, और हमारा बी हो जाएगा ब्लैंक स्लाइड के कंटेंट पैन के इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं, और हमारा सी हो जाएगा ए और बी दोनों, और हमारा डी हो जाएगा टेबल को स्लाइड में इंसर्ट नहीं किया जा सकता है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा बी यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्लैंक स्लाइड के कंटेंट पैन में इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं। आइए चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा 13वां क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन है दोस्तों हाइट स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज है, हाइट स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। प्रेजेंटेशन के दौरान सिलेक्ट की गई स्लाइड को हाइट करने के लिए, बी हो जाएगा एडिटिंग के दौरान सिलेक्ट की गई स्लाइड को हाइट करने के लिए, और सी हो जाएगा प्रिंटिंग के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, डी हो जाएगा डिलीटिंग के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। जैसे कि आपको इसका आंसर मालूम होगा, हमारा फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, वह हो जाएगा प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई, प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 14वां क्वेश्चन है वह है, हमारा जो 14वां क्वेश्चन है वह हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है, हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है। देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए स्लाइड फॉर्मेटिंग, भी हो जाएगा स्लाइड ट्रांजिशन, और हमारा सी हो जाएगा लेआउट हैंडआउट, और हमारा डी हो जाएगा लेआउट ऑफ स्लाइड। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा सी यानी लेआउट एंड हैंडआउट, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 15वां क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से किस स्लाइड को बैकग्राउंड की तरह यूज किया जा सकता है, इनमें से किस स्लाइड को बैकग्राउंड की तरह यूज किया जा सकता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए है ग्रेडिएंट, और हमारा बी हो जाएगा ट्रैक्टर, और हमारा सी हो जाएगा पिक्चर, और डी हो जाएगा ये सभी जो हमारा आंसर हो सही, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको मालूम होगा वो हो जाएगा डी यानी ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। आइए चलते हैं इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, वह है पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस ई कमांड का यूज होता है, पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस ई कमांड का यूज होता है। आपको इसका आंसर मालूम होगा, पहले से भी मालूम होगा। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या थे, क्या थे इनके ऑप्शन। पहला ए है टेक्स्ट को लेफ्ट करने के लिए, बी टेक्स्ट को राइट करने के लिए, और सी हो जाएगा टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए, और डी हो जाएगा ये सभी नहीं दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए, ये बिल्कुल एमएस पावर। 17वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा एलिप्स मोशन एक प्रीडिफाइंड खाली स्थान है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ए है डिजाइन टेम्पल, बी हो जाएगा कलर स्कैम, और हमारा सी हो जाएगा एनिमेशन स्कैम, और हमारा डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एनिमेशन स्कैम यानी सी ऑप्शन बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा 18वां क्वेश्चन है वह है हैंड आउट का यूज करके कितनी स्लाइड को एक ही पेज पर प्रिंट किया जा सकता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या, 1, 6 और 9, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इन सबको कर सकते हैं, 1 को भी कर सकते हैं, 6 को भी कर सकते हैं, 9 को भी कर सकते हैं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 19वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा विभिन्न स्लाइड में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट का कौन सा फीचर यूज करेंगे। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या। ऑप्शन ए है स्लाइड ट्रांजेक्शन, और हमारा बी हो जाएगा स्लाइड डिजाइन, और सी हो जाएगा एनिमेशन ऑब्जेक्ट, और डी हो जाएगा एनिमेशन स्कैम। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी स्लाइड ट्रांजेक्शन यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, वह हो जाएगा प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम ट्रिमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या। ऑप्शन ए है स्लाइड टाइमिंग, और हमारा बी हो जाएगा स्लाइड ट्रांजिशन, और हमारा सी हो जाएगा रिहर्सल, और हमारा डी हो जाएगा स्लाइड शो सेटअप, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा स्लाइड ट्रांजिशन यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चलते हैं इसी तरह हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा 21वां क्वेश्चन, यदि आप स्लाइड में केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप इनमें से क्या कौन सा टैब यूज करेंगे। यदि आप स्लाइड में केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा टैब यूज करेंगे। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ए है टास्क पैन, बी हो जाएगा थंब लेंस, और हमारा सी हो जाएगा आउटलाइन, और डी हो जाएगा हमारा दोस्तों टूल बार। हमारा जिसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा सी यानी आउटलाइन ऑप्शन। आइए चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा 22वां क्वेश्चन, यदि आप स्लाइड्स का क्रम बदलना चाहते हैं तो आप किस व्यू ऑप्शन का यूज करेंगे। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए है नॉर्मल व्यू, भी हो जाएगा स्लाइड शॉर्टर व्यू, और हमारा सी हो जाएगा नोट्स पेज व्यू, और हमारा जो डी ऑप्शन है वह हो जाएगा स्लाइड शो व्यू। हमारा जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा बी यानी स्लाइड शॉर्टर व्यू, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 23वां क्वेश्चन है भैया दोस्तों, किस मेन्यू में एनिमेशन स्कैम कस्टम एनिमेशन स्लाइड ट्रांजिशन जैसे ऑप्शन होते हैं, आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ए है इंसर्ट मेन्यू, बी हो जाएगा टूल्स मेन्यू और हमारा सी हो जाएगा व्यू मेन्यू और डी हो जाएगा स्लाइड शो मेन्यू। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया आपको मालूम होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वह हो जाएगा स्लाइड शो मेन्यू। आइए चलते हैं अपने 24वें क्वेश्चन पर। हमारा जो 24वां क्वेश्चन दोस्तों वह है, किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है, आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए है चॉइस इंसर्ट इज हाइपरलिंक और बी हो जाएगा प्रेस कंट्रोल प्लस के जिस शॉर्टकट की है आपको मालूम होगा हाइपरलिंक की, और सी ऑप्शन हो जाएगा हाइपरलिंक को स्लाइड में इंसर्ट नहीं किया जा सकता है। तो हमारा उसका सही आंसर हो जाएगा भाई हो जाएगा डी, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, चॉइस इंसर्ट हाइपरलिंक और कंट्रोल प्लस के ये शॉर्टकट की हाइपरलिंक, यानी बी यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 25वां क्वेश्चन है दोस्तों वह है, पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर किस मेन्यू में होता है। हाँ जो इसका ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन क्या है, इनकी ऑप्शंस हैं ए इंसर्ट बी व्यू और हमारा सी हो जाएगा फाइल और डी हो जाएगा एडिट, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा वह हो जाएगा व्यू, यानी पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर जो ऑप्शन होता है वे व्यू मेन्यू में होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं 26वें क्वेश्चन पर। हमारा जो 26वां क्वेश्चन है वह अप्लाइड डिजाइन टेम्पलेट से क्या होता है, आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। अप्लाइड डिजाइन टेम्पलेट से क्या होता है, आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए है स्लाइड का कंटेंट चेंज करता है, बी स्लाइड की फंक्शनलिटी को जोड़ता है और सी हो जाएगा स्लाइड के कंटेंट में बिना कोई परिवर्तन किए स्लाइड का लुक चेंज करता है और डी इनमें से कोई नहीं, जैसा कि आपको इसका आंसर मालूम है सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी स्लाइड के कंटेंट में बिना कोई परिवर्तन किए स्लाइड का लुक चेंज करता है। आइए चलते हैं अपने 27वें क्वेश्चन पर। हमारा जो 27वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, पहले से बनी स्टाइल जैसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जा सकता है वे कहलाती हैं, आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है ऑटो स्टाइल और बी हो जाएगा विजार्ड और सी हो जाएगा टेम्पलेट्स और डी हो जाएगा प्री फॉर्मेटिंग। हमारा जिसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा सी यानी टेम्पलेट, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 28वां क्वेश्चन है वह है, किसी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कैम को किस स्लाइड में लागू किया जा सकता है, देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ए आल स्लाइड, बी सिलेक्टेड स्लाइड और हमारा डी हो जाएगा करंट स्लाइड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, यानी ये सभी यानी आल स्लाइड्स में भी किया जा सकता है और सिलेक्टेड स्लाइड में भी किया जा सकता है और करंट स्लाइड में भी किया जा सकता है। आइए चलते हैं 29वें क्वेश्चन पर। हमारा जो 29वां क्वेश्चन है हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा, इनमें से कौन सी की का आप स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रेस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्टकट की बार बार क्वेश्चन में पूछी जाती है, इनमें से कौन सी की का आप स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रेस करते हैं। जैसा कि आपको इसका आंसर डायरेक्ट मैं बता देता हूं, वह F7 यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन दोस्तों वह है, पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार के होते हैं। तो पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार के दोस्तों, चार प्रकार के होते हैं, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यानी चार होते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी क्लास पूरी होती है, उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।